हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी क्रीम जो आपकी स्किन को चिकना, स्किन को स्मूथ, स्किन को अच्छी तरह से चमकदार बनाने में अच्छी हेल्प करेगी। तो क्रीम का नाम जान लीजिए, क्रीम का नाम है आईबी ग्लो क्रीम। एक ऐसी क्रीम जो आपने पहले इसके बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो आज की वीडियो में इसके डिटेल आपको मैं बता दूंगा। और गाइस, मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट बनाता रहता हूँ जिसके अंदर आपको कई ऐसे क्रीमों का रिव्यू बता दूंगा जो कि आपने नहीं सुना होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इसी क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अंदर जो इनग्रीडियंट्स यूज किया उसके बारे में बताऊंगा, साइड इफेक्ट्स आपके वह यूज के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बने रहना, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। तो बात करते हैं इस क्रीम के बारे में। तो गाइस, एक ही हाइड्रेट एजेंट के रूप में कार्य करने वाली एक क्रीम है जो आपकी स्किन को चिकना बनाएगा, स्किन को स्मूथ और स्किन को भाई चमकदार बनाने में अच्छी हेल्प करेगा। क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, इसके अंदर ओनली फॉर एक इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, जो ये एक ही इंग्रेडिएंट्स ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन को चमकदार बनाने में अच्छी हेल्प कर चमकदार बनाने में अच्छी सहायता करेगा। गाइस, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है उस इंग्रेडिएंट का नाम है हाइड्रोक्विन। हाइड्रोक्विन एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन को इस तरह से छाप छोड़ देता है, जो आपकी स्किन को चिकना बनाता है, स्किन को ग्लोइंग, और आपकी स्किन ज्यादा रेड है तो उसको भी अच्छी तरह से संतुष्टि मिलने में अच्छी हेल्प करता है। गाइस, इस इंग्रेडिएंट से ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स भी है, लेकिन गाइस ये आपको बता देता हूँ, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है तो आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट दिखा भी सकता हो नहीं दिखा सकता। अगर आप अच्छे डॉक्टर की सलाह से इस क्रीम का उपयोग करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आपने वे हाइड्रोक्विनोन, मोमेंटोसोन फ्लोराइड जैसे क्रीमों का उपयोग करा है तो ये जो केमिकल, ये तीन केमिकल एक ही क्रीम आता है। अगर इस केमिकल का क्रीम का उपयोग करो और इस क्रीम से आपको साइड इफेक्ट्स हुआ है तो आप इस क्रीम को डॉक्टर की सलाह से सजेस्ट करके यूज करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन का उपयोग करो, हाइड्रोक्विनोन आपके मेलानिन को कम करने में अच्छी हेल्प करता है। और आपको मैं आपको बता दूं, आपके पिगमेंटेशन और दाग धब्बे हैं तो उनको भी हटाने में अच्छी हेल्प करेगा। नॉर्मली आपके पिगमेंटेशन और दाग धब्बे उनको तो रिमूव करने में अच्छी हेल्प करेगा। डार्क सर्कल है तो उनको भी हटाने में अच्छी हेल्प करेगा। अब मुख्य विशेषता इसके आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके त्वचा को रंगत का सुधारने में अच्छी हेल्प करेगा, आपकी स्किन को पर्याप्त पोषण प्रदान करने में अच्छी हेल्प करेगा, तो आपकी स्किन को कोई भी चमक को लाने में अच्छी हेल्प करेगा। बात करते हैं यूज के बारे में, तो एक हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम है तो इसको नाइट में सोते समय यूज करना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाइट में सोते समय यूज करना, किसी भी अच्छे ठंडे पानी से या किसी भी अच्छे स्किन से आपकी स्किन को धो लेना है। उसे सुबह उठने के बाद आपको वह इसको धोने के बाद सन क्रीम का उपयोग करना है, जिससे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कौन सी भी क्रीम यूज करो, सुबह सन क्रीम का यूज करोगे तो आपकी स्किन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। स्किन खिंचाव खिंचाव जैसा महसूस नहीं होगा गाइस। तो अब इसका बेनिफिट, तो आपकी स्किन के दाग धब्बे वे आपकी स्किन पिगमेंटेशन और चमकदार और कोमल बनाने में अच्छी हेल्प करेगी गाइस। तो इसका साइड इफेक्ट्स तो नॉर्मली हो भी सकते हैं और नहीं हो सकता गाइस। अगर आप डॉक्टर की सलाह से यूज करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।